मेरा ये रेसिपी आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही अच्छा बहुत ही यूनिक एक रेसिपी आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने 4 भुट्टा लिया है, इसका मैं दाना निकाल लूँगी। भुट्टा का मैंने दाना निकाल दिया है, अब इसको मैं कुकर में डाल के 1 कप पानी डाल के मैं बॉईल कर लूँगी इसको। अभी इसके अंदर मैं 1 कप जितना पानी ऐड करूँगी। अभी इसके अंदर मैं 1 टुकड़ा दालचीनी ऐड कर दिया। अभी इसको बंद करके मैं चूल्हा ऑन कर दूँगी। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है और कुकर को मैंने कवर कर दिया। आप चाहे तो कोई पैन में भी बॉईल कर सकते हैं, मेरे पास कुकर है तो ये कॉर्न जल्दी पक जाएगा, जल्दी गल जाएगा, इसीलिए मैं कुकर यूज़ कर रही हूँ। भुट्टा को मैंने बॉईल कर लिया है, अभी बहुत गर्म है, ठंडा होगा तो मैं इसको ग्राइंडर में पीस लूँगी। और मैंने शुगर लिया है, इसको भी मैं पीस लूँगी, पीस के मैं इसको पाउडर बना लूँगी। कॉर्न अभी ठंडा हो गया है, जब मैंने कॉर्न बॉईल किया था तब मैंने दालचीनी का टुकड़ा मैंने इसके अंदर डाल दिया था, अभी इसका हटा देती हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है। और मैंने शुगर को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, अभी ये कॉर्न ठंडा हो गया है, मैं अभी इसको ग्राइंडर में डाल के मैं पीस लेती हूँ। इसमें मैंने चीनी पीसा था, शुगर पीसा था, इसी में मैं कॉर्न को पीस लूँगी। बिस्मिल्लाह। अभी मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, इसको पीसूँगी। इसी के अंदर मैं थोड़ा मिल्क ऐड करके मैं इसको पीस लूँगी। कॉर्न मैंने पीस लिया है, अब इसी तरह सारा कॉर्न मैं पीस लूँगी दूध डाल के। पिसा हुआ कॉर्न मैं एक कढ़ाई में डाल रही हूँ, दूसरा भी पीस रही हूँ, दूसरा भी पीस पीस के इसके अंदर मैं डाल दूँगी। दोबारा इसके अंदर मैं दूध ऐड कर रही हूँ, फुल क्रीम दूध। कॉर्न को मैंने एकदम बारीक नहीं पीसा, थोड़ा मोटा मोटा रखा, तो ये मोटा मोटा ही थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा मोटा मोटा रखा है। अभी लास्ट है, ये भी ऐड कर रही हूँ। अभी मैं चूल्हा में ऑन कर दूंगी। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, इसमें मैंने पीसा था तो इसके अंदर थोड़ा दूध डाल के इसका तो मैं ऐड कर रही हूँ। देखो कॉर्न तो पका हुआ ही है, मैंने बॉईल कर लिया था इसलिए ज़्यादा मुझे पकाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसके अंदर मैं देसी घी ऐड करूँगी। एक घी है, 1/2 कप जितना मैं घी इसके अंदर ऐड करूँगी, देसी घी। आपको देसी घी पसंद नहीं है तो आप जो डालडा है उससे भी बना सकते हैं, नहीं तो ऑयल से भी आप बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड। लेकिन जो असली मिठाई, जो स्वीट डिश हो, हलवा हो, सब उसको देसी घी में अच्छा बनता है, उसका खुशबू भी बहुत अच्छा आता है। 2 प्याले मैंने शुगर लिया था, उसका मैंने पाउडर बना लिया, अभी इसका 1/2 ऐड करूँगी। चाहिए तो आस्ते आस्ते करके बाद में मैं डालते जाऊंगी। अभी मैं बिस्मिल्लाह। अभी इसको घी के साथ में इसको भून लूंगी। अभी भुट्टे का सीजन है, बहुत अच्छा अच्छा भुट्टा आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा चलो आज भुट्टे का एक स्वीट डिश बना के आप लोग के साथ में शेयर करूं। देखो कलर भी कितना अच्छा आ रहा है, गोल्डन कलर। एकदम मैंने बारीक एकदम नहीं पीसा है, थोड़ा मैंने रखा है दाना दाना, तो इसमें बहुत अच्छा लगेगा खाने में। दूध और जो पानी है तो वो मैं पूरा ड्राई कर लूँगी, और शुगर चाहिए तो मैं बाद में ऐड करूँगी। और चूल्हा मैंने मीडियम स्लो पे रखा है, एकदम हाई पे होगा तो ये जल जाएगा, स्लो स्लो ही थोड़ा पकाना पड़ेगा। अभी भी हुआ नहीं है,
जब हो जाएगा ये पूरा ऑयल के ऊपर आ जाएगा, घी के ऊपर आ जाएगा। और शुगर मैंने और एक टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। शुगर आप अपने हिसाब से ऐड करें कि आपको कितना मीठा चाहिए, ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, वो हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी देर में और पका लेती हूँ। माशाल्लाह बहुत खुशबू अच्छा आ रहा है, बहुत खुशबू आ रहा है। ये भुट्टे का सीज़न है, आप अलग अलग तरीक़ा से बना के आप खा सकते हैं। मैं भी और भी भुट्टे के मैं रेसिपी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। अभी इसके अंदर थोड़ा मैं वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ, थोड़ा दो चार ड्रॉप। डाल दिया मैंने। अभी सारा ऑयल के ऊपर आ गया, घी के ऊपर आ गया। अभी मैं इसके अंदर थोड़ा किशमिश ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। एकदम मैंने बारीक मैंने नहीं पीसा, महीन नहीं पीसा। आपको आप चाहे तो एकदम बारीक कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा दाना दाना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा दाना दाना रखा है। इसके ऊपर मैं थोड़ा भी बादाम डाल रही हूँ। चूल्हा भी बंद कर देती हूँ। अभी मैं डिश आउट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है और कितना अच्छा खुशबू है। अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा किशमिश डाल दिया और थोड़ा बादाम। मेरा रेसिपी आप लोगों को पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और भी अच्छा अच्छा रेसिपी आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह।